वहीं टीकमगढ़ से सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटिक, मोदी कैबिनेट में बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को समाज न्याय अधिकारिता मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। जिम्मेदारी मिलने के बाद वीरेंद्र कुमार ने एमपी के लोगों का आभार व्यक्त किया, वंचितों के लिए काम करने की बात दिखाई। थावरचंद गहलोत की जगह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी को दी गई। खास बातचीत के साथ मौजूद हैं सर, प्राथमिकताएं आपकी क्या होने वाली है? देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का जो दायित्व मुझे दिया गया है, ये मंत्रालय हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय थावरचंद गहलोत जी के समय काफ़ी काम इस मंत्रालय के माध्यम से किया गया है। जहाँ एक और उस काम को आगे बढ़ाने में हम सब ने अपने राज्य मंत्रियों के साथ में काम करेंगे, और उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो हम मैं सोच रहा हूँ कि जहाँ एक और हम अपनी जिम्मेदारी को सैद्धांतिक रूप से पार्लियामेंट के फ्लोर पर उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे, वहीं शासन की योजना, इस मंत्रालय की योजना समाज के जिन वर्गों के लिए, चाहे वो दिव्यांगजन हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, चाहे वो अंधमुख मध्यशाला से जुड़े हमारे बच्चे हों, तो इन सब के बीच में जाकर व्यवहारिक रूप से जहाँ एक और उनकी उसको देखना, व्यवस्थाओं को देखना, वहीं उनकी कठिनाइयों को भी जानना कि वो कैसा अनुभव करते हैं, और उनकी कठिनाइयों को जानकर उनके सुझावों को भी अपनी कार्यप्रणाली में शामिल करते हुए समाज से विभिन्न क्षेत्रों के आप सबसे भी जो है ना, वो सुझावों को आमंत्रित करके हमारा मंत्रालय और भी ज़्यादा व्यवहारिक ढंग से मंत्रालय के काम को आगे बढ़ाने के लिए, मंत्रालय की योजनाओं को उन लोगों तक पहुंचाने के लिए काम करेगा। आप इस क्षेत्र में आप बहुत पढ़े लिखे हैं, डॉक्टरेट हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यही सपना है कि अंतिम छोर तक मदद लोगों तक पहुंचे, दिव्यांगों तक पहुंचे, वंचितों तक पहुंचे। आप किस तरीके से इसको देखते हैं, क्या एजेंडा आपका होगा? मैंने जैसा कि बताया कि जो योजनाएँ हैं समाज के इन वर्गों के लिए बनी हैं, हम लोग स्वयं, हम अपने राज्य मंत्रियों को भी काम का विभाजन करके हम सब लोग उन लोगों तक पहुंचकर उनसे जानकारी लेंगे, उनसे संवाद संपर्क करेंगे। केवल यहाँ बैठकर नहीं, जब तक आप उन लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, उन लोगों के बीच में जाने से बहुत सारी जानकारी मिलती है, उनके कष्टों को जानने का अवसर मिलता है, उनकी आवश्यकता है उनको जानने का अवसर मिलता है, और फिर उसको और व्यवहारिक हम कैसे कर सकते हैं, ये काम तभी हो पाएगा। जमीन पे उतर के आप काम करेंगे, 24 आवर्स जो है वो आपसे जुड़ सकते हैं, इसी के लिए हम लोग अपना प्रयास करेंगे और जाएंगे। मैं करता भी रहा हूँ, मैं जब पहली बार से सांसद बना तब से मैं इस क्षेत्र में काम करता रहा हूँ। नमुख वधशालाओं में भी जाता था, दिव्यांगजनों के उसमें भी जाता था, हमारे सीनियर सिटीजन वहाँ भी जाता था। मैंने बच्चों के जन्मदिन जो है ना, वहीं पर मनाए। हम लोग घर से भोजन बना के ले जाते थे, हमारी श्रीमती जो भोजन बनाती थी, और बच्चे का जन्मदिन जब हम लोग अंधमुख मदरशाला में पहुँच कर मनाते, उनको कितनी खुशियाँ होती थी। जब बुजुर्गों के वृद्धाश्रम में जाकर उनके साथ में मनाया जाता है, तो उनको एक पारिवारिक आत्मीयता का उनको अनुभव होता है, और उस खुशी के अनुभव को हम और आप जब उनके बीच में जाते हैं तभी अनुभव कर सकते हैं, दूर रहकर नहीं। तो मैं आने वाले समय में हम लोग जो है ना, वो हमारे पास आने के लिए बिल्कुल कभी भी आ सकते हैं, और हम लोग भी अधिकतम जगह जाने का प्रयास करें।